अब आपके खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठती ना डैड? एक ही तो आवाज उठी थी, लक्ष्मी की, जिसे तुमने बंद कर दिया। क्या करता, उसकी हिम्मत तो देखिए डैड। जब आप किसानों से कह रहे थे कि वो अपने खेतों में अनाज न बोएं, उस वक्त लक्ष्मी उनके दिलों में बारूद बो रही। लेकिन इससे पहले कि वो बारूद सुलगती, ऐसा चक्कर चला डैड, ऐसा चक्कर चला कि वो खुद चक्कर में आ गई। अब उसे गांव का कोई गम नहीं, अपने ही गम में डूबी रहेगी, जिंदगी भर मुझे कोसती रहेगी। वो तो ठीक किया, लेकिन एक बुरी खबर सुन रहा हूं। वो क्या डैड? वो हमारी जमीन जायदाद का वारिस पैदा करने वाली है, और जो औरत गांव वालों के हक के लिए ठाकुर भूपेंद्र सिंह के सामने गोली खाने को तैयार हो सकती है, वो अपनी औलाद की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। वो औलाद पैदा होगी तब ना डैड। मैं उस कोख को ही खत्म कर दूंगा जिसमें वो वारिस पल रहा है। लक्ष्मी, मा
छोड़ दो भीमा,